छात्रों, आप सबका स्वागत है कक्षा 12वीं के व्यवसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत इकाई 2 में अध्याय 3। आइए हम अध्ययन करते हैं प्रबंध के सिद्धांतों का, मैनेजमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रबंध के विचारों व सिद्धांतों का जो जन्म है वो जैसे जैसे मानव की सभ्यता विकसित हुई उसी के साथ साथ होने लगा। अर्थात यूं हम कहें कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनका व्यवस्थित बता अथवा वैज्ञानिक ढंग से जो इसका विकास है वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पर प्रबंध के विचारों व सिद्धांतों को जो जन्म है वो जैसा अभी बताया मैंने कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ हुआ है, किंतु 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आते आते इसका विकास जो है वो व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से हुआ है। अर्थात 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ, कारखाने प्रणाली का जन्म हुआ, तब इसके साथ साथ कारखानों में लोग बड़ी मात्रा में कार्य करने लगे सामूहिक रूप से। यहाँ पर हम देखें कि कारखाना प्रणाली के जन्म होने के पहले जो है उत्पादन छोटे पैमाने पर घर के सदस्यों के द्वारा किया जाता था, लेकिन जब कारखाना प्रणाली का जन्म हुआ तो इस प्रक्रिया में मानवीय संसाधन एवं उत्पादन के संसाधनों के बीच में हमें कुशल उपयोग की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः इन साधनों का उचित ढंग से प्रबंध किया जाना महसूस किया जाने लगा। इस आवश्यकता ने समयानुसार प्रबंधकीय विचारों एवं सिद्धांतों को जन्म दिया। प्रबंध के सिद्धांतों को जन्मदाता जिनको हम मानते हैं उनमें हेनरी फ्योल और F.W. टेलर ये प्रमुख हैं। यहाँ पर सिद्धांत का आधारभूत सत्य जो है कि किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत दो या दो से अधिक चरों के मध्य कारण एवं परिणामों के संबंधों की व्याख्या करता है। सभी सामाजिक विज्ञानों के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं और प्रबंध भी चूंकि उनका एक सामाजिक विज्ञान है, अतः यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रबंध सिद्धांत का जो अर्थ है वो वास्तव में प्रबंधकीय सिद्धांत सामान्य मान्यता के आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंधकीय कार्यों के परिणामों की भविष्यवाणी की उपयोगिता रखते हैं। अर्थात यहाँ पर हम यूं कहें कि जो भी प्रबंधकीय सिद्धांत हैं, जो हमारी सामान्य धारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो किसी भी कार्य को करने के लिए जो एक परमानेंट व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं जो हैं वो बेहतर व्यवस्थाएं हमें भविष्य के परिणाम बताने में महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करती हैं। तो ये प्रबंध सिद्धांत का अर्थ है। जॉर्ज आर टेरी ने परिभाषा दी है, सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचारों या कार्यों का मार्गदर्शन करता है। अर्थात सिद्धांत वे मान्यताएं हैं जो हमारे अंदर के विचार हैं, जो कार्य हम करना चाहते हैं उनको वो प्रेरित करती हैं, उनको वो मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर उपरोक्तानुसार जो है प्रबंधकीय सिद्धांत वही है जो प्रबंधकीय निर्णय एवं क्रियाओं को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। अर्थात प्रबंधकीय सिद्धांत प्रबंध के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करती हैं, एक रास्ता दिखाने का कार्य करती हैं। आइए अब हम चलते हैं प्रबंध की विशेषताएं या प्रबंध की प्रकृति, उसके लक्षणों की ओर। वास्तव में प्रबंध के सिद्धांत उतने पूर्ण नहीं होते हैं जितने कि प्राकृतिक विज्ञान के, क्योंकि प्रबंध को हमने क्या माना है, सामाजिक विज्ञान। प्रबंध के अंतर्गत चूंकि मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और मानवीय व्यवहार सामान्य तौर पर कैसे होते हैं, अनिश्चित एवं परीक्षण ना कर सकने वाले होते हैं। मानवीय व्यवहार में आर्थिक परिस्थितियां, आवश्यकता और प्रत्यक्षीकरण के आधार पर हमें व्यक्तिगत भिन्नता देखने मिलती है। प्रबंध के अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिनके संबंध में अधिक ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर मानवीय व्यवहार जो है अनिश्चित एवं
परीक्षण ना कर सकने वाला होता है। अतः यहाँ पर हम इसकी प्रकृति को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला बिंदु है प्रबंध की प्रकृति या विशेषता का सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता से आशय है सभी स्थानों पर पाया जाना। ये प्रबंध की जो सिद्धांत हैं ये हर एक स्थान पर लागू होते हैं, चाहे वो व्यवसायिक उपक्रम हो या गैर व्यवसायिक उपक्रम हो, चाहे वे सरकारी संगठन, अस्पताल, क्लब या किसी राजनीतिक दल की कार्यवाही के प्रशासन में, अर्थात किसी भी प्रकार की संस्था हो, सभी स्थानों पर प्रबंध के सिद्धांतों की हमें आवश्यकता महसूस होती है। दूसरा सिद्धांत इसकी विशेषता है लोचशीलता। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रबंध के सिद्धांत जो हैं वो भिन्न भिन्न रूपों में लागू होते हैं, क्योंकि व्यवसाय की जो परिस्थितियां हैं और जो आर्थिक सामाजिक वातावरण है वो कैसा होता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। अतः प्रबंध के सिद्धांत भी व्यवसाय की प्रकृति, आकार, प्रतिस्पर्धा एवं आवश्यकता के अनुसार ही प्रयुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार से व्यवसाय की प्रकृति, उसके आकार प्रकार के अनुसार प्रबंध के हम सिद्धांतों का उपयोग करते हैं और उनमें आवश्यकता अनुसार जो भी उचित लगता है हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है यहाँ पर विकासात्मक। प्रबंध के सिद्धांत जो है पर्याप्त अनुभव एवं गणनात्मक तथ्यों के आधार पर विकसित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन का सिद्धांत हमें ये बताता है कि जो कर्मचारी जिस कार्य को करने में अधिक योग्य एवं अधिक कुशल एवं कुशल समर्थ है उसी से वो कार्य करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि कार्य विभाजन यदि हमने श्रमिकों के बीच में उचित रूप से किया है, उनकी रुचि, उनकी सक्षमता, उनकी योग्यता, उनकी कुशलता के आधार पर किया है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन की मात्रा में सुधार होता है और उपक्रम जो है सफलता की ओर लगातार आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है। चौथा बिंदु है सापेक्षिकता। सापेक्षिकता से आशय यहाँ पर प्रबंध के सिद्धांत जो है वो प्राकृतिक विज्ञान की भांति स्थिर नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब एक निश्चित दबाव पर दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन मिलाने पर पानी बनता है, यदि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को मिलाने के अनुपात में दोगुना कर दिया जाए तो बनने वाले पानी की मात्रा भी जो है वो क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। अर्थात यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान का जो सिद्धांत है वो ये निश्चित रूप से बताता है कि दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन मिलाने से पानी बनता है, परंतु प्रबंध में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे उचित मजदूरी का सिद्धांत ये बताता है हमें कि कर्मचारी द्वारा किए गए उत्पादक कार्य, अर्थात एक कर्मचारी कितना उत्पादन करता है उसके अनुसार उसकी मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। अर्थात यदि उत्पादन बेहतर कर रहा है तो उसकी बेहतर मजदूरी, यदि उत्पादन कम मात्रा में कर रहा है, उचित रूप से नहीं कर रहा है, तो उसकी मजदूरी कम होती है। अगला बिंदु है व्यवहारिकता। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो मानवीय व्यवहार से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। मानवीय व्यवहार में परिवर्तनशीलता एवं संवेदनशीलता का तत्व पाया जाता है, जिसका प्रबंध के सिद्धांत पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है। चूंकि मानव के स्वभाव, प्रकृति एवं इच्छाएं कैसी होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, प्रबंध की सिद्धांतों की सफलता जो है वो एक बड़ी सीमा तक मानवीय व्यवहार से प्रभावित होती है। अर्थात जिस कर्मचारी का व्यवहार कार्य के प्रति जितना बेहतर है, उत्पादन वो उतना बेहतर कर सकता है। अंतिम बिंदु है यहाँ पर सावधानी पूर्वक उपयोग। प्रबंधकीय सिद्धांतों का जो प्रयोग है कभी भी असीमित रूप से नहीं किया जाता, क्योंकि ये निरंकुश ना होकर एक दूसरे से संबंधित हैं तथा अनेक तत्वों से ये प्रभावित हैं। अतः
जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, इनका प्रयोग संगठन के आकार, उसकी सीमा, उसकी आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार ही किया जाना चाहिए। तो छात्रों, ये थे प्रबंध के सिद्धांतों की प्रमुख विशेषताएं। इसके अंतर्गत जो प्रश्न है उसमें आप प्रबंध के सिद्धांतों की परिभाषा लिखना है, और अभी जो मैंने आपको ये विशेषताएं और लक्षण बताए हैं इनको आपको, आइए अगले क्रम में चलते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व, एक उपक्रम के लिए आवश्यक है कि प्रबंधकों को प्रबंध की सिद्धांतों की उचित समझ हो, क्योंकि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं प्रबंध के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। ये सिद्धांत प्रबंध की कुशलता को बढ़ाने के साथ साथ उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करते हैं। प्रबंध की सिद्धांतों के जो कुछ महत्व यहाँ पर दर्शित हैं इनको हम क्रमशः देखेंगे। सबसे पहला बिंदु जो है वो है प्रबंधकों के लिए उपयोगी। व्यवसायिक उपक्रम के प्रबंध की प्रकृति को समझने के लिए प्रबंधकों के लिए प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। कुंट जी के अनुसार उन्होंने कहा है, व्यवस्थित एवं अनुभव सिद्ध सिद्धांतों के अभाव में प्रबंध शास्त्र का ज्ञान अधूरा है। अतः प्रबंध के प्रकृति को, प्रबंध के अर्थ को समझने के लिए हमें इन सिद्धांतों को समझना अति आवश्यक है, इनका अध्ययन करना अति आवश्यक है। इन सिद्धांतों का प्रबंधकीय विद्वानों द्वारा जो भी लिखे गए हैं, सिद्धांत तैयार किए गए हैं, ये उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर तैयार किए। दूसरा महत्व प्रबंध के सिद्धांत का, कार्य क्षमता में वृद्धि। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग करने पर संस्था के प्रबंधकों व कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। ये समस्याओं का जो निराकरण है, उपक्रम की जो भी समस्याएं हैं उनका क्रमबद्ध ढंग से और वैज्ञानिक विधियों से करने में सक्षम हो जाता है। प्रबंध की क्षमता बढ़ाने से प्राकृतिक, मानवीय व भौतिक संसाधनों का अधिक कुशलता व मितव्ययिता से उपयोग करना संभव हो जाता है। इससे उपक्रम के लाभों में वृद्धि होती है और लक्ष्य की बेहतर प्राप्ति होती है। अगला बिंदु है संसाधनों का कुशलतम उपयोग। प्रबंध के सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि उपक्रम में जो भी हमारे उपलब्ध संसाधन है, जो कच्चा माल है, मानव संसाधन है, मशीन है, विभिन्न उपकरण हैं, या जो भी उत्पादन से जुड़े हुए विभिन्न साधन हैं, उन साधनों का हम किस प्रकार से बेहतर ढंग से, मितव्ययिता पूर्ण ढंग से, उनका हम कितना बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकते हैं, ये हमें प्रबंध के सिद्धांत बताते हैं। यहाँ पर इससे भी संसाधनों के कुशल उपयोग से निश्चित है कि उत्पादन क्षमता और लक्ष्य जो हमारा है वो हमें बेहतर प्राप्त होता है। अगला बिंदु जो है वो है संतुलित निर्णय। प्रबंध के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए हम सही समय पर, उचित समय पर संतुलित डिसीजन या निर्णय ले सकते हैं। उपक्रम में जो भी उस समय स्थितियां, परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए, सिद्धांतों को नज़र में लेते हुए हम बेहतर से बेहतर निर्णय ले सकते हैं। जैसे अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ये बताता है हमें कि कर्मचारियों को केवल दायित्व ही नहीं, अधिकार भी सौंपे जाएं ताकि वो उचित समय पर उचित निर्णय ले सकें। यदि हमने कर्मचारियों को दायित्व बस सौंप दिए और उससे जुड़े हुए उन्हें अधिकार नहीं दिए तो ऐसी स्थिति में वो निर्णय लेने में अक्षम होगा। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि यदि हम किसी कर्मचारी को कार्य का दायित्व सौंपते हैं और यदि उसके अधीनस्थ कार्य नहीं करते हैं तो अधीनस्थों को दंड देने का यदि उसके पास अधिकार नहीं है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वो उत्पादन को बेहतर ढंग से प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी, आवश्यक है
कि यदि दायित्व सौंपे गए तो उसके साथ उससे जुड़े हुए अधिकार भी सौंपे जाएं ताकि वो उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। अगला बिंदु है यहाँ पर प्रभावी प्रशासन। प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है, जैसे आदेश की एकता के सिद्धांत लागू करने से आदेश दिशा निर्देश को लेकर कर्मचारियों में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहता। तो यहाँ पर आदेश की एकता हमें यह बताता है कि जिस कोई भी एक अधिकारी से यदि आदेश लागू होता है, जारी किया जाता है, तो उसी रूप में वो निचले अधिकारी या कर्मचारी तक पहुँचे, उस आदेश को कोई बीच में भ्रमित ना करें। इसलिए यहाँ पर आवश्यक है कि आदेश की एकता का जो सिद्धांत यदि हम लागू करते हैं उपक्रम में, तो उससे एक प्रशासन जो है वो प्रभावी पूर्ण बना रहता है। अंतिम बिंदु है अनुशासन। निश्चित है कि प्रबंध के सिद्धांत जो हैं वो उपक्रम की सफलता के लिए निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए प्रबंध के सिद्धांत से लागू करने से उपक्रम में जो है अनुशासन का विकास होता है, कर्मचारियों में ईमानदारी, निष्ठा और उपक्रम के प्रति लगाव की भावना का विकास होता है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रबंध के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनको हमने देखा। प्रश्न रूप में आप प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व को समझाइए, इस हिसाब से आप इसके उत्तर को